गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह के 10 बज रहे हैं और दिन है आज बुधवार। आज मेरा फास्ट है और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। बच्चों की छुट्टी है क्योंकि उनकी कल एनुअल फंक्शन था, तो छुट्टी है आज की। कल से वो स्कूल जाएंगे। गौतम अब ठीक है, पहले से खा रहा है, बेटर है। अभी उसका ट्रीटमेंट चलेगा और गौतम को मैंने पपीता काट के दे दिया है। और नाश्ते में मैंने पोहा बनाए हैं, तो इन लोगों को पोहा दे दूंगी। आज मैंने जल्दी बना दिए थे पोहा क्योंकि नाश्ता करके गए हैं आज, तो फिर मैंने बना दिए थे। मैंने कहा ये लोग उठेंगे तो गर्म करके दे दूंगी, और मुझे खाना नहीं है, मेरा फास्ट है। बस तो चलते हैं, वही रोज का काम अपना। यहाँ मैंने गोनू मोंटी को नाश्ता दे दिया और अपने लिए चाय बनाऊंगी, थोड़ी 1 कप चाय पीऊंगी। सुबह इतनी भगदड़ रहती है कि मैं चाय भी अच्छे से नहीं पी पाती स्वाद लेके। अब मैं आराम से थोड़ी चाय पीऊंगी, उसके बाद सफाई करूंगी। दूध भी आ गया, तो मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया है। बालों के लिए मेरे बाल बहुत रफ हो रहे हैं, तो मैं मेहंदी लगाऊंगी छत पे बैठ के। आज नहीं लगाऊंगी, आज बुधवार है और कल गुरुवार है। मैं लगाऊंगी फ्राइडे को और छत पे बैठ के लगाऊंगी धूप में, जिससे मुझे सर्दी भी नहीं बैठेगी। अभी ऐसी ज्यादा सर्दी भी नहीं है यहाँ पर, मगर फिर भी मेहंदी ठंडी होती है, नुकसान देगी, और इसलिए मैं ऐसे धूप में बैठ के लगाऊंगी। इतनी डस्ट उड़ रही है ना हमारे यहाँ पे, इतनी डस्ट के ना पूरा फर्श लाल हो गया। डेली मैं पहुँचती हूँ, ये डेली लाल हो, कपड़ा भी देखो पहुँचने वाला लाल हो गया है। ये देखिए इतनी परेशान पहुँच पहुँच के सारी चीज़ें डेली करना पड़ता है। 1-2 घंटे तो मेरा ये इसी में ही निकल जाता है। मैं चाय पीऊंगी। गौतम और मोंटू दोनों को मैंने पोहा दे दिए गरम करके, और यहाँ दूध भी गरम करके रख दिया है मैंने। अब चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। बाल बहुत झड़ रहे हैं मेरे, क्या करूँ, अपने ऊपर टाइम ही नहीं मिलता अपने कुछ करने के लिए। चेहरा भी पूरा ऐसा हो गया है धूल मिट्टी से। आज शायद मैं बाड़े भी जाऊँ क्योंकि सारी क्रीम वगैरह सब लेके आना है, सब खत्म हो चुका। सर्दियों का कोई है ही नहीं क्रीम वगैरह, तो आज ये कह रहे थे कि आज मैं आ जाऊंगा तो चलेंगे बाड़े। अब देखते हैं, ये टाइम से आ गए तो मैं बाड़े जाऊंगी, क्रीम व्रीम लानी है मुझे, बच्चों का थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। तो बस चलते हैं, चाय पीते हैं, आप लोग भी पी लीजिए। बज रहे हैं अब 2:45 हो रहे हैं। आज मैंने क्या जूते वगैरह सब इन लोगों के धोए स्कूल के, बहुत गंदे हो रहे थे सब मिट्टियों में, तो उसी में टाइम ही नहीं पता चला, तो आज तो मैं इतनी लेट हो गई हूँ। अभी लोग दोनों यानी सो गए, अब मैं बस पुलाव छोंक दूँ, फिर मैं अपने लिए क्या कहते हैं साबुदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। Thank you.
यहाँ मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ और यहाँ मैंने देसी घी डाल दिया है। 2 चम्मच देसी घी डालूँगी मैं, छोटी वाली, और बस मूंगफली के दानों को इसमें थोड़ा सा भून लूँगी। यहाँ दाने भुन चुके हैं, इन्हें निकाल लूँगी। और मैंने 2 आलू कच्चे काट लिए थे और 1 हरी मिर्ची, वो मैं डाल दूँगी, और उसमें सेंधा नमक और काली मिर्ची डाल दूँगी। बस वो पक जाएंगे, देख लेती हूँ पके हैं कि नहीं, और उसमें मैं साबूदाना डाल दूँगी। यहाँ जो मैंने दाने भुने थे उनको मैं थोड़ा सा कुटनी में कूट लूँगी, क्योंकि साझा दाने मुझे अच्छे नहीं लगते, थोड़े कूट के ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पुलाव बन चुका है, इसे एक बार चेक कर लूँगी मैं। हाँ, बन चुके हैं मेरे पुलाव। यहाँ आलू चेक कर लेती हूँ, पक चुके हैं। और वहाँ दूसरी तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी, यहाँ बस मैं काली मिर्ची पाउडर डाल दूँगी और सेंधा नमक डालूँगी, और जो मैंने मूंगफली के दाने कूट के रखे थे उनको भी डाल दूँगी। अब मैं इसमें साबूदाने डाल दूँगी, ये मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, 3-4 घंटे भीग चुके थे, अच्छे से फूल गए हैं। और बस अब मैं इसमें मूंगफली के दाने डाल दूंगी। यहाँ मैंने जो मूंगफली के दाने कूटे थे वो डाल दिए हैं, और खूब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं फिर हरा धनिया डाल दूंगी जो मैंने काट के रखा है। गरम गरम पुलाव आप लोग भी खा लीजिए, चाय और साबूदाने की खिचड़ी आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने कहा था ना 3:30 हो जाएंगे, सही 3:30 बज रहे हैं, बच्चे भी खाना खा रहे हैं दोनों, और मैं भी अपना खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। गरम गरम आलू के पराठे और बथुआ का रायता, हरी मिर्च की चटनी। हेलो, और खाना खा चुके हैं हम लोग, बच्चों ने खा लिया है, मैंने खा लिया है, अभी इन्होंने नहीं खाया, अभी ये ऑफिस से आए थे तो मैंने इनको ये, मैं अपने लिए पराठा बना रही थी तो मैंने इनके लिए चाय बनने रख दी थी, तो ये बोले कि ला एक चाय के संग मुझे पराठा दे दो, तो फिर मैंने चाय के संग इन्हें एक पराठा दे दिया, इन्होंने खा लिया, कह रहे हैं अब मेरी थोड़ी इच्छा नहीं हो रही, खाऊंगा तो फिर 1-2 पराठा और खाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो मैंने तो खा लिया और बच्चों ने भी खा लिया है। गौतम को मैंने रोटी भर के दी थी आलू की, उसे पराठा नहीं बना के दिया अभी, और मैंने और मोंटू ने तो पराठे ही खाए हैं। बथुआ का रायता बनाया, बहुत टेस्टी बना, और क्या कहते हैं चटनी बनाई थी। अब ये उसके लिए, गौतम के लिए, कल ये स्कूल जाएगा, 15 दिन से स्कूल नहीं गया तो कल ये जाएगा, तो उसके लिए क्या कहते हैं ब्रेड पपीता वगैरह ये लेने गए हैं, और लेके जाएगा ये, तो बाड़े जाना था, ये बोल रहे थे, मैं तैयार भी थी, मैंने कहा खाना खा के चलेंगे बाड़े, ये बोले चलो, तो फिर मैंने कहा, मैंने खाना जैसे ही खाया मुझे तो आलस सा आने लगा, मैंने कहा रहने देते हैं आज, कल चलेंगे, आज मैं टिक्की भी नहीं पी पाऊंगी क्योंकि फास्ट है, और कल जाऊंगी तो आराम से टिक्की भी पी लूंगी, बहुत दिन से टिक्की नहीं पी, पानी के पटाखे। तो बस, और इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय। मगर एक बात मुझे ज़रूर कहनी है आप लोगों से, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कमेंट तो कोई करता ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो कुछ सोचो वही कर दिया करो हमको भी कमेंट। तो बस अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।